आलिया सफेद डब्बा इधर लाओ। इस जगह को चारों तरफ से घेर लो, कोई भागने ना पाए। हेलो हेलो, क्या माल पकड़ा क्या? हेलो 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 जी, में मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ये बात तो ठीक है सेठ, लेकिन अगर इस दफा पकड़े गए तो सीधे 10 साल के लिए अंदर हो जाओगे। बच्चे, बचने का रास्ता सोचो। एक रास्ता है। क्या? किशनचंद। किशनचंद। माँ। शांति। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं भी कितना बदनसीब हूं शांति। शादी के बाद तुम्हारी आंखें चली गई, मैं आज तक तुम्हारा इलाज नहीं करवा सका। तो क्या हुआ? सोने को हाथ लगाता हूं तो मिट्टी बन जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ शांति, मेरे किए हुए बुरे कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। जी में आता है जाली पासपोर्ट बनाने का धंधा फिर से शुरू कर दूं। नहीं नहीं, तुम कोई ऐसा बुरा काम नहीं करोगे। तुमने मेरी कसम खाई है, जैसे भी हो हम रुकी सुखी खाकर गुजारा कर लेंगे। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा। बेटा मेरे बच्चे, तुम श्यामलाल नीचे है, बहुत जरूरी काम है, तुम्हें फौरन बुलाया है। अच्छा, अच्छा। कौन आया था? कोई नहीं, जरा जरूरी काम है, बाहर जाके आता हूँ। उन्हें तुम जरा दरवाजे का ख्याल रखना। पर तुम जा कहाँ रहे हो? कहीं नहीं, अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। सुन, क्या बात है श्यामलाल? किशनलाल, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इस मुल्क से बाहर निकाल सकते हो। मैंने यह धंधा छोड़ दिया है श्यामलाल। सुनो, आखिरी बार कर दो मेरे लिए। मैं किसी के लिए भी बुरा काम नहीं करूंगा। सुनो, अगर मेरे लिए नहीं तो अपनी अंधी बीवी और बच्चे के लिए कर दो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम अंधी बीवी का इलाज करवा सकोगे, अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे सकोगे, इसमें मेरे साथ तुम्हारा भी फायदा है। हाँ सोचो मत किशनचंद, हाँ कह दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। आओ गाड़ी में बैठो। हेलो। सॉरी ऑफिसर, श्यामलाल पुलिस की पकड़ से बहुत दूर जा चुका है। क्या मतलब? मतलब कल रात श्यामलाल का हार्ट फेल हो गया है। हार्ट फेल? ये डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन हिंदू होते हुए इसे दफनाया क्यों जा रहा है? ये श्यामलाल जी की आखिरी वसीयत है। प्लीज ऑफिसर, चलिए फादर। साहब ये मुजरिमों के रिकॉर्ड्स हैं जो आपने मंगवाए थे। रखो वहां। बस रेडी। अरे थोड़ा सा तो बचा है, पी ले। अच्छा बेटा मेरा, चल। नहीं पेट भर गया। अरे थोड़ा सा तो है, दूध नहीं पिएगा तो तू दारा सिंह कैसे बनेगा? हाँ चल पी ले, थोड़ा सा तो है। अच्छा बस क्लास खत्म हो गया। चलो रामू बाबा को सुला दो, जाओ। नहीं डैडी, आज मैं आपके साथ सोऊंगा। नहीं बेटा देखो, कल तुम्हें बहुत जल्दी स्कूल जाना है और पापा को रात गए तक यहाँ काम करना है, जाएगा ना? है? अच्छा बेटा। अच्छा डैडी, गुड नाइट। गुड नाइट डालेंगे। गुड नाइट। टॉवल। देखो ड्राइवर, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता गाड़ी नहीं रुकेगी, समझे? अच्छा साहब। Thank you.
पासपोर्ट फोर्जरी और भेस बदलने में एक्सपर्ट, हर किस्म के जुर्म किए हैं, लेकिन इतना होशियार है कि आज तक कानून की पकड़ में नहीं आ सका। पिछले 5 साल से लापता है। ये श्यामलाल के जनाजे पे क्या कर रहा था? ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, जिस एयरपोर्ट से चाहो निकल सकते हो, अब तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। That's very good, किशनलाल, तुम्हारा जवाब नहीं। ये लो, जिंदगी भर ऐश करोगे, असली सोने में पेमेंट कर रहा हूँ। सोना? Yes। ड्राइवर। जी सर। गाड़ी रोको। हेलो किशन चंद। हेलो। 5 साल के बाद फिर से धंधा शुरू कर दिया? जी। मेरा मतलब है, श्यामलाल कहाँ है? श्यामलाल भगवान के पास। नहीं, उसका घर तो बिल्कुल खाली है। कब्र में लाश नहीं है। बोलो, उसको कहाँ भगा दिया तुमने? अब क्या बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। बको मत, कानून को चकमा देने की इतनी अकल श्यामलाल के पास कभी न थी। ये सिर्फ तुम हो जो जुर्म करने के बाद भी कानून के हाथ से बार बार बचते रहे हो। बोलो, श्यामलाल को भगाने के लिए तुमने कितनी रकम ली है? हमेशा की तरह इस बार भी आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। नहीं किशन चंद, इस बार सबूत है। ये क्या है? बोलो ये क्या है? ये बैग मुझे दे दो। इंस्पेक्टर साहब, ये किसने मारा आपको? ये इसने? क्या हुआ? किसी ने इंस्पेक्टर साहब का खून कर दिया। अरे सैम। नहीं नहीं, मैंने खून नहीं किया, खून इसने किया है। ये तस्वीर खुद इंस्पेक्टर ने मुझे दी है। ले जाओ इसे और बंद कर दो, और कोई कैंची को हाथ मत लगाना। मैं बैठा हूँ, मुझे छोड़ो। तुम एम्बुलेंस को फोन करो और तुम मेरे साथ आओ। पता नहीं, और मेरे बीवी बच्चे सब कुछ खत्म हो गया, दोनों जल के राख हो गए। बकवास कर रहे हो? तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया किशन चंद, तुम्हारी बीवी जल गई, तुम्हारा बच्चा जल गया, अब यहाँ तुम्हारे लिए रखा ही क्या है? भाग जाओ किशन चंद, इससे पहले कि कानून के बेरहम हाथ तुम्हें दबोच ले, यहां से भाग जाओ। भाग जाओ यहां से किशन चंद, भाग जाओ, भाग जाओ। पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूत और गवाहों के बयानात से ये बात साफ तौर पर साबित हो चुकी है कि मुलजिम भगवान सिंह ने दौलत के लालच में इंस्पेक्टर ईश्वर चंद्र का खून किया, इसलिए अदालत मुलजिम को उम्र कैद बामशक्कत की सजा देती है। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। रहम कीजिए माई बाप, मेरी छोटी बच्ची पर रहम कीजिए, मैं तबाह हो जाऊंगा। मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। बाबा, मेरी बच्ची, मैंने खून नहीं किया। हुजूर, मैं कसूर हूँ। Thank you.
कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। तुमसे ये काम नहीं होगा माँ, तुम्हारी जगह मैं बोझ उठाऊंगा। नहीं बेटे, तेरी उम्र बोझ उठाने की नहीं, पढ़ने की है। लिखने पढ़ने के लिए तो पैसे चाहिए माँ, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास हिम्मत तो है बेटे, और जिसके पास हिम्मत होती है वो अपनी तकदीर आप बनाते हैं। बेटे दुखों में रोते नहीं, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराओ तो देखो, मुस्कुराओ। गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक के फुर्सत है ये जमाना, जितना खुशी से दिल को लगाना, जितना खुशी से दिल को लगाना, उतना ही हमसे रिश्ता निभाना। गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक के फुर्सत है ये जमाना। नमस्ते शांति बहन। आप क्या बात है? मुबारक हो शांति बहन, आपका बेटा हाई स्कूल में फर्स्ट आया है। सच? हाँ, और हमारी संस्था ऊंची तालीम के लिए इसे लंदन भेज रही है 10 साल के लिए। नहीं भाई साहब, मैं अपने बेटे को इतनी दूर नहीं भेजूंगी, मेरा एक ही तो सहारा है, ये अगर उतनी दूर चला गया तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैं अपने बेटे को लंदन नहीं भेजूंगी, नहीं। देखो शांति बहन, ममता के बंधनों में बंधकर अपने बेटे का भविष्य मत खराब करो। कितनी मुश्किलों से तुमने उसे पढ़ाया है, अभी तो ये बच्चा सिर्फ प्यारेलाल है, लंदन से प्रोफेसर प्यारेलाल बनकर लौटेगा, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करेगा। जरा सोचो, जिद मत करो, इसे लंदन जाने दो।
प्रोफेसर प्यारेलाल द ग्रेट। कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है? हिंदुस्तान कब जा रहे हो? बस इस हफ्ते कॉलेज बंद हो जाए उसके बाद। अच्छा सुनो, माँ के लिए मैं कुछ साड़ियाँ लाया हूँ, और चिली के लिए फ्रॉक का कपड़ा, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ ये सूट पीस। थैंक यू। हाँ और भी कुछ लाया था मैं, ये टोपी लाया था यार। यू आर लुकिंग फैंटास्टिक। ये सब तो ठीक है राम, लेकिन मेरी समझ में आज तक एक बात नहीं आई कि तुम करते क्या हो और तुम्हारे पास इतना रुपया आता कहाँ से है। मैं सुबह पढ़ाने जाता हूँ, तुम घर वापस आते हो। मैं शाम को घर वापस आता हूँ, तुम बाहर चले जाते हो। ऐसा कौन सा काम है जिसका बिजनेस सिर्फ रात के अंधेरे में होता है? देखो प्यारे, लंदन एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो सिर्फ रात के अंधेरे में हो सकते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारा कोई दफ्तर, कोई ऑफिस? ऑफ कोर्स है, इट्स ए प्राइवेट लिमिटेड फर्म, और एक बहुत बड़ा दफ्तर है जो मेरे दिमाग में है। और सुनो प्यारे, छोड़ ना यार इन बातों को। देख, तू यहाँ पढ़ने पढ़ाने आया और मैं चार पैसे कमाने आया हूँ। राम, मैं आजकल देख रहा हूँ कि पुलिस इस मोहल्ले के कुछ ज्यादा ही चक्कर काट रही है। पुलिस? अरे पुलिस नहीं चक्कर काटेगी तो क्या मैं चक्कर काटूंगा? पुलिस का काम है चक्कर काटना, काटना दो, होंगे किसी बदमाश के पीछे। पर तू क्यों डर रहा है? तूने तो कुछ नहीं किया ना? किया है, इश्क किया है, लेकिन कैसा इश्क है? जूली वहां जा कर, तू मेरे साथ यहाँ चोर सिपाही खेल रहा है? जल्दी कर, मैं तुम्हारी जगह होता ना कब का जा चुका होता वहां। ये ले, भारी है, भारी है यार। बाय बाय। और सुनो, जूलू को लेके ना शाम को कहीं बाहर चलेंगे। हाँ, सी यू। ओके बाय। पुलिस चक्कर काट रही है, काटने दो, मैं मेरा क्या कर लेंगे। आई शैल ऑलवेज चेरिश एवरी मोमेंट ऑफ दिस 10 years दैट आई हैव स्पेंट हियर विद यू इन लंदन। माँ का खत है ना? और मुझे कौन लिखेगा? तो जरा ऊंचा पढ़ो, मैं भी सुनूंगा। हाँ क्यों नहीं सुन। मेरे लाल, तुम्हारा खत मिला। यकीन नहीं आया कि तुम 10 साल के बाद हिंदुस्तान वापस आ रहे हो, इसलिए 100 बार रोज मैं उस खत को पढ़वाती हूँ। बेटे, तुम्हारा जन्मदिन दिवाली का है और ये भगवान की कृपा है कि तुम 10 साल के बाद दिवाली के दिन वापस घर लौट के आ रहे हो। मैं इस दिवाली के रोज तुम्हारे 10 जन्मदिन एक साथ मनवाऊंगी। क्यों नहीं? इस खुशी के मौके पर अपने दोस्त राम को, जिसके बारे में तुम हमेशा लिखते हो, साथ जरूर लाना। चलेगा? जरूर चलूंगा। माँ का प्यार तो बचपन से नहीं देखा प्यारे, शायद अब मिल जाए। जरूर चलूंगा। आगे पढ़। हेलो, ये स्पीकिंग। हाँ, काम हो जाएगा, लेकिन इस बार 5,000 पाउंड से कम में काम नहीं होगा। जी हाँ, कल सुबह 10 बजे। ओके। आखिरी बार तुझसे कहता हूं राम, ये काम बंद कर दे। देख प्यारे, मैं कुछ चोरी नहीं करता, किसी का खून नहीं करता, डाका नहीं डालता। अब स्मगलर्स का माल इधर से उधर करने में क्या बुराई है? स्मगलिंग के माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले को भी कानून वही सजा देता है जो एक स्मगलर को देता है। और फिर राम, तकदीर हमेशा साथ नहीं देती। ये तू कह सकता है प्यारे, तेरे पास मां है, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं, मैंने अपनी तकदीर की है। अब ये काम मेरे लिए छोड़ना मुश्किल है, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकता? नहीं। अगर यही तेरा आखिरी जवाब है, मेरी भी एक बात सुन ले, मैं तुझे इस जुर्म के रास्ते पर और आगे जाने नहीं दूंगा। मैं तुझसे ये काम छुड़वा कर रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। हेलो, यस स्पीकिंग। जूली का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? मैं अभी आता हूं। यस।
मैं तेरी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। हाँ हाँ ले जा गाड़ी, इसी बहाने बात तो की कमी है। मैंने तुम्हें कितना मना किया था गाड़ी लेके मत जाओ। What's his name? You know him? Officer, मैं वही आदमी हूँ जिसकी जिसकी आपको तलाश है। नहीं, मेरा नाम राम है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है ऑफिसर। मेरा नाम राम है, ये प्रोफेसर प्यारेलाल है, मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। राम मैं हूँ, मेरा नाम राम है। नहीं नहीं ऑफिसर, एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं अरे Let's get the ambulance। अगर यही तेरा आखिरी जवाब है, मेरी भी एक बात सुन ले। मैं तुझे इस जुर्म के रास्ते पर और आगे जाने नहीं दूंगा। मैं तुझसे ये काम छुड़वा के रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। अच्छी दोस्ती निभाई है यार, आज तुम आज सचमुच जीत गया। आज तुमने अपनी जिद पूरी कर ली ना। मैं मां को क्या जवाब दूंगा रे। शुभ दिन रोते नहीं बेटे, और हाँ आज तेरा जन्मदिन भी तो है, मैं तेरी आरती उतारती हूँ। माँ, तेरा हाथ ठीक है ना बेटे? बरसों तेरी जुदाई में जलती रही, आज तेरे आने की खुशी में थोड़ा हाथ जल भी गया तो क्या हुआ। बेटा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, वो तेरा दोस्त कहाँ है? वो नहीं आ सका माँ। क्यों? उससे उससे दोस्ती टूट गई। दोस्ती टूट गई? पर वो तो तेरे पल पल का साथी था। हाँ माँ, लेकिन लेकिन वो किसी बात से
लूट कर चला गया। जरूर तूने कोई गलती की होगी बेटे। अच्छे दोस्त दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सुन, आज ही उसे लिख दे कि माँ ने उसे बुलाया है। लिखेगा ना? माँ? हाँ माँ। ये है एक और रंजीत सिंह, अमेरिका में वॉल्टर, यूरोप में गोम्स और हिंदुस्तान में रॉनी के नाम से मशहूर है। गुड इवनिंग जेंटलमैन। मुझे यहां बुलाने की वजह? हम तुम्हें एक जरूरी मिशन पर भेजना चाहते हैं। बंबई में हमारा घर है, उसके नीचे तहखाने में बेशुमार हीरे और जवाहरात बंद हैं। वो सब तुम्हें 10 दिन में निकालने होंगे और हम तक पहुंचाने होंगे। इतने आसान काम के लिए मेरी क्या जरूरत है आपको? जरूरत है। घर के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा है। हिंदुस्तान की सरकार ने मेरे घर को सील कर रखा। इन हीरों की कीमत कितनी होगी? यही कोई 50 करोड़। फिर मेरी कमीशन होगी 10%। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर आप लोग इस काम के लिए दूसरा आदमी ढूंढ लीजिए। चैंग, पीछा करो। माय गॉड, तू आज वहां? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Excellent. That was fantastic. Thank you. हम तुमसे बहुत मुतासिर हुए। हमें तुम्हारी 10% कमीशन मंजूर है। Good. Advance. Advance? दे दो। Advance के साथ साथ तुम्हें हमें ये गारंटी देनी होगी कि तुम हमें डबल क्रॉस नहीं करोगे। आपको मेरी जबान पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारे अंदर में जबान की कोई कीमत नहीं है। और जब तुम किंग को डबल क्रॉस कर सकते हो तो हम क्या है? True. किस बात की गारंटी चाहिए आपको? तुम्हारी बीवी। मतलब? जब तक हमारा माल हमारे पास नहीं पहुंच जाता, तुम्हारी बीवी हमारे हिरासत में रहेगी। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन हम बना देंगे। मेरी बात का जवाब दो, हाँ या ना। एक बात है सैमी, मेरी बीवी बच्चे की मां बनने वाली है। कांग्रेचुलेशंस, दैट्स बेटर। गारंटी और भी पक्की हो गई। मेरी भी एक शर्त है। क्या? मेरी बीवी को मेरा ही डॉक्टर अटेंड करेगा और कोई नहीं। फेयर एनफ, हमें मंजूर है। गुड सैमी, एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया ना, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। हमने सुना है यह हवेली नीलाम होने वाली है। हमें पता नहीं। क्या हम इसे अंदर से देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ बाहर से। इस कार्ड में एक राज छुपा है, क्या आप बता सकते हैं क्या है? 1048584 ये एक टेलीफोन नंबर है। किसका? इसे उल्टा पढ़ लीजिए। लेकिन ये नंबर किस जगह का है, कौन से मुल्क का है? लंदन एक्सचेंज। Thank you.
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो, कल होटल में कोड आपने करवाया था? जी जी, और वहीं से मुझे यकीन हो गया कि आप वाकई जीनियस हैं और आप ही हमारी मुश्किल को हल कर सकते हैं। ओनली यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ हॉलीवुड से। आपके कार्ड से पता चल चुका है। मैं हिंदुस्तान में एक पिक्चर बना रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे राइटर और डायरेक्टर क्लाइमेक्स में आके फंस गए हैं, बना नहीं पाते। अगर मैं हफ्ते के अंदर अंदर क्लाइमेक्स शूट नहीं करूंगा, आई विल बी रुइंड, मैं डूब जाऊंगा। आप, मेरा नाम प्रोफेसर पेरेलाल है। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन एक इमारत, इमारत के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा। विलेन ने उस इमारत में करोड़ों रुपए के हीरे छुपा रखे हैं। हीरो उन हीरों को वहां से निकालना चाहता है। प्रॉब्लम, निकालेगा कैसे? हाउ? विलेन और पुलिस, यानी चोर और सिपाही दोनों एक साथ। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारा विलेन जो है वो पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर है। We've shown that. I see. हीरे आपके हीरो के हाथ में पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसके पैसे लगते हैं। कितने पैसे? 50,000। डन। अब मुझे उस इमारत का हदूदरबा बताइए। आई मीन टू से सराउंडिंग। सराउंडिंग बिल्डिंग कहां पर है? द मैप, द मैप, मैप। ये बिल्डिंग है। काम हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ये सब ये इसी सब के पैसे मांगता हूं मैं। 25,000 ऑन द टेबल। यस यस यस, ऑफ कोर्स। 25,000 ऑन द टेबल। टेबल। इस बिल्डिंग में हीरे हैं और इसके सामने ये दो ऊंची बिल्डिंग्स हैं। इन दोनों बिल्डिंग के बीच में आप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उस प्लेटफॉर्म पर आपकी फिल्म की हीरोइन स्ट्रिप्टीज करेगी। स्ट्रिप्टीज? जी हाँ, एक एक करके अपने कपड़े उतारेगी, नाचेगी गाएगी इस कदर भड़कीला नाच कि राह चलती पब्लिक वहीं की वहीं रुक जाएगी। पब्लिक ही क्यों, गाड़ियां ट्रक कारें सब रुक जाएंगे। एक बहुत बड़ा मजमा, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उस भीड़ को देखने के लिए वो पुलिस जो उस बिल्डिंग के अंदर हीरो की हिफाजत के लिए तैनात की गई है वहां आएगी भीड़ को हटाने के लिए। और जब वो देखेगी एक खूबसूरत लड़की इस कदर नाच रही है, उनकी तवज्जो वहां जाएगी और उसी दौरान आपका हीरो आहिस्ता आहिस्ता उस बिल्डिंग में दाखिल होगा, हीरे निकालेगा और चुपके से वहां से रफ चक्कर हो जाएगा। हाउ इज दैट? फैंटास्टिक, वंडरफुल, एक्सलेंट, एक्सलेंट। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। बाकी के 25,000? ओ, चेक, चेक। साइन करने के लिए हाथ छोड़ेंगे आप? थैंक यू। लेकिन प्रोफेसर साहब, हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? इस सीक्वेंस को आप सुपरवाइज करेंगे। यू विल हैव टू बी द टेक्निकल एडवाइजर। इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। एक्स्ट्रा पैसा? लोकेशन? और लोकेशन? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय, कम ऑन, लेट्स गो। थैंक यू प्रोफेसर, इट्स ऑल राइट। मैक? यस। मुझे इस प्रोफेसर की जन्म कुंडली चाहिए और जल्दी चाहिए। ओके। बेटी, ये तो मुझे कहां ले आया? मैं अरसे से एक सपना देख रहा था, आज पूरा हुआ है। मैं समझी नहीं। मां, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत बंगला खरीदा है, आओ दिखाता हूं। ये देखो मां, ये ड्राइंग रूम है और मां इस तरफ देखो मां, तुम्हारा बेडरूम है, साथ में मंदिर भी है और सामने डाइनिंग रूम है, बहुत बड़ा टेबल है, 20 आदमी एक साथ खाना खा सकते हैं। और वो देखो मां, बाहर पूल है। मां ये देखो कितना खूबसूरत पूल है, और वो देखो सामने बागीचे में कितने दरख्त लगे हैं, है ना? मां, ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू?
मैं कितनी बदनसीब हूं, तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैं देख भी नहीं सकती। काश मेरी आंखें होती तो आज मैं अपने बेटे की सारी खुशियां देख सकती। यस रोनी, शूटिंग का सारा इंतजाम हो गया है। उस बिल्डिंग का मालिक कोई राय बहादुर खोसला है, एकदम कड़का है, किसी भी कीमत पर मान जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो आदमी है एकदम 420। Never wanted to. What am I to do? I can't help it. ए राय साहब जी, आज तो हम अपना पैसा लेकर ही जाएंगे, नहीं तो भूख हड़ताल कर देंगे। हाँ, आप सुनिए, इनको बताई दीजिए। नहीं बताऊंगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, बताई दीजिए ना प्लीज। अजी बताओ जी राय साहब, बताओ ना, काय को गड़बड़ करता जी, थोड़ा बोल दो जी हमको, क्या हो गया जी। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। आप मेरे खातिर गुस्सा थूक दीजिए, आखिर ये हमारे आदमी है। बताओ जी काय को मैं डालूं प्लीज। फिर भी नहीं बताऊंगा, कुछ गड़बड़ मालूम होती है। चलो आओ आओ आओ। नमस्कार राय साहब, प्लीज बता दो ना जी। बताइए। बताओ, ये एक ऐसा राज है जो आज तक हमारे बीच रहा है। तुम जैसे छोटे और घटे आदमी की बस की बात नहीं, इसके लिए हमें खानदानी व्यापारी चाहिए, सॉलिड पार्टी चाहिए। मैं आजादी से करोड़ीमल से मिलकर उनसे सौदा करने वाला हूँ, कल सुबह आकर अपने रुपए ले जाना सूद समेत। करोड़ीमल कौन सा खानदानी व्यापारी है जी, वो तो पानदानी है, पानदानी है। अगर हम सब आपस में मिल जाएं तो ऐसे 10 करोड़ीमल खरीद लेंगे। लेकिन वो कौन सा राज है बता दो ना जियो। देखो हमारे बुरे वक्त में यही तो बेचारे काम आ गया, अब करोड़ों का फायदा भी इनका ही होना चाहिए। मैंने आज तक अपनी पत्नी की बात कभी नहीं टाली, तुम कहते हो तो ठीक है, जाओ इन सब के लिए शरबत बनाओ। जाओ उन पत्थरों को उठाओ। ये पत्थरों में क्या है जी? जो राज तुम जानना चाहते हो। करोड़ रुपया जी उन्हीं पत्थरों में है। तेल नहीं, काला सोना है ये। मैं तो यहाँ स्विमिंग पूल खुदवा रहा था, ऐसे 3 कुएं निकले हैं यहाँ पर। करोड़ों का माल है, अरबों का माल है। मेरे साथ इस धंधे में पार्टनरशिप करोगे कि जाओ मैं करोड़ी मल के पास? करोड़ी मल को गोली मारो जय। अयो हम बड़े दिल वाले हैं, ये धंधा तो आपके साथ हम ही करेंगे। लेकिन इस तेल की खबर कानो कान किसी को नहीं होनी चाहिए, कर लेगी, नेशनलाइज कर लेगी। मुझे तो फिर भी कमीशन में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, नंगे के नंगे रहोगे। ये यो हम पागल तोड़ी है जो अपना पाव पे कुल्हाड़ी मारेगा जी। लेकिन राय साहब स्कीम क्या है? यहाँ से 50 मील दूर समंदर के बीच में एक जजीरा है, इस घर के नीचे से अंदर ही अंदर समुद्र के बीच में वहां तक एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, फिर रिफाइनरी कायम की जाएगी और तेल को जहाजों में डालकर सारी दुनिया में बेचा जाएगा और फिर सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। दीवा, फिर तो हम एक ही झटके में बिरला और टाटा बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम सबको मुझे 1-1 लाख रुपए देना होगा। इंजीनियर की फीस देनी है, रिफाइनरी कायम करनी है और की खबर किसी को ना हो। जिम जियो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। ये जो हम हेरा फेरी करते रहते हैं, आपने कभी सोचा है इसका अंजाम क्या हो सकता है? हाँ, जेल। तो फिर क्यों ना हम ये बंगले और बिल्डिंगों को बेचकर एक बार इनका कर्जा ही चुका दें?
नहीं डालेंगे। हमें ये ढोंग उस वक्त रचाना पड़ेगा जब तक कि हमारी इकलौती बेटी आशा की शादी किसी अच्छे और अमीर घर में नहीं हो जाती। मगर आपने किसी से बात की है क्या? हाँ, मेरा वो दोस्त है ना हांगकांग वाला सैम, उसका छोटा भाई प्रेम, उसके रिश्ते के लिए चिट्ठी लिखी, दो तीन दिन में जवाब आ जाएगा। अच्छा खानदान है, अमीर है, निहायत ही शरीफ लोग हैं। मगर वो हमारी आशा को पसंद करेगा? क्यों नहीं पसंद करेगा, जब से उसने प्रोफेसर प्यारलाल की क्लासेस ज्वाइन की है बहुत स्मार्ट हो गई है लड़की। आप कौन साहब हैं? मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। माफ कीजिए साहब, अगर आप किसी नई पिक्चर की मुहूर्त करवाने आए हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके मलाबार हिल वाली बिल्डिंग की तलाश होगा तो आपकी शोहरत में चार चांद लग जाएंगे। फोर मून्स। और सुनिए, मैं मुआवजा देने के लिए भी तैयार हूँ। कैश। आप दान पुण्य के काम में यकीन करते हैं? दरअसल हम शोहरत की भूखे नहीं हैं। राय साहब खुद दान पुण्य में बहुत यकीन रखते हैं। अजी आप दान पुण्य की बात करते हैं, दान पुण्य की बात करते हैं आप, मेरी हर पिक्चर का आधा मुनाफा तो धर्म खाते में चला जाता है। ज्यादा जरूर मिलेगी। क्या बजट है आपकी पिक्चर का? यही कोई 1 करोड़। फिर तो इजाजत के लिए आपको सिर्फ 1 लाख देना पड़ेगा। 1 लाख ज्यादा है तो 50,000 भी चलेगा। अजी साहब मैं एक दिन की शूटिंग की बात कर रहा हूँ, पूरी पिक्चर की बात थोड़ी कर रहा हूँ। कम नहीं होगा। देखिए साहब, मेरा बजट सिर्फ 15,000 रुपए बस। अरे ले लीजिए ना, आप कैसे कंजूस पुरुषों से पाला पड़ा है, हमको कौन से घर में रखने हैं, पुण्य तो करना पाप बिल्कुल लगे। ये तो ठीक है, लेकिन कैश की रिसीट नहीं मिलेगी। हाँ, और हम शूटिंग देखने भी आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको शूटिंग भी दिखाऊंगा, आप लोगों की फोटो भी लूंगा मैं। जॉली गुड, कम एंड हैव अ ड्रिंक। ड्रिंक जिन, श्योर गॉर्डन इज जिन। मिस नीता मीरचंदानी, हाय। हे मिस्टर। सॉरी मिस, आपसे पहले और कई लड़कियां हैं, आपको कुछ देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। तो फिर आप जा सकती हैं। मेजरमेंट्स योर वाइटल स्टैटिस्टिक्स। जी इनका मतलब है कि आपके जिस्म का ज्योग्राफिया, यानी कि दर्जे का नाप। 34, 24, 36। गुड। हमारे साहब आपको कुछ कम कपड़ों में देखना चाहते हैं। मैं नंगे रोल नहीं करना चाहती। आप जा सकती हैं। डैम डैम डैम, 7 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ दुकान सजा हुआ है, लेकिन आप दोनों मिलकर कोई ऐसी लड़की नहीं ढूंढ सकते जो हमारे काम आ सके। इडियट्स। Here's the girl I want. Mac, ये लड़की चाहिए मुझे। लेकिन रोनी, ये लड़की तो मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ। Idiot, go and bring her back. जाओ उसे वापस ले जाओ। Okay, Signore. Go. आपकी qualifications? देखी नहीं आपने? हमने डिसाइड किया है कि पहली पिक्चर के लिए हम आपको 50,000 यानी 50,000 रुपए देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कम है। कम कैसे? मुझ में कुछ और भी खूबियां हैं। मैं समझा नहीं जी। जरा अपने चमचे से कहिए इसे ऑन करें। चमचा? ओ स्पून। स्पून ऑन दैट। अब क्या ख्याल है? 25,000 एडवांस। 25,000 क्विक। Come on.
बाबा की तबीयत कैसी है? बहुत खराब है, बेहोश हो गए हैं। बाबा बाबा ये लो रुपए, बाबा को फौरन हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन तेरे पास इतने रुपए आए कहां से? बाद में बताऊंगी, जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। इतना बड़ा डाका और एक पुलिस ऑफिसर का खून, क्या जवाब देंगे हम मिनिस्ट्री को? कौन थे वो लोग जो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे? सर, बहुत तलाश करने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। हाँ, जो लड़की नाच रही थी उसके कुछ कपड़े मिले हैं। पुलिस डॉग्स को फौरन जॉब पे लगा दो। समझ में नहीं आता वो कौन हो सकता है जिसने इतना बड़ा प्लान बनाया। ये आपके रुपए, आपके पार्टनर ने भेजे हैं। ये क्या बदतमीजी है? आई एम इंस्पेक्टर सावन, यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों, किस लिए, किस जुर्म में? करोड़ों के हीरो की चोरी और एक आदमी का खून। शूटिंग का प्लान अच्छा बनाया था लेकिन तुम्हारा पार्टनर तुम्हें धोखा दे गया। उसके अलावा टेलीफोन पर तुम अपने जुर्म का इकबाल कर चुके हो। तो ये नंबर क्या पुलिस का था? हाँ, वो पुलिस का था। अरेस्ट हिम। चलो, come on। बनवारी, बनवारी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई थी? मेरा बेटा कहाँ है? तू बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है? वो लड़की कौन है? प्यारेलाल का क्या ताल्लुक है उससे? आखिर ये प्रोफेसर प्यारेलाल है कौन? कहीं ये रॉनी उससे मिलकर डबल क्रॉस तो नहीं करता है? नहीं 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 नहीं, रॉनी ऐसा नहीं कर सकता। उसकी बीवी हमारी हिरासत में है। प्रेम। यस बिग ब्रदर। तुम फौरन बंबई जाओ और इस सारी बात का अच्छी तरह पता लगाओ। लेकिन बंबई पहुंची अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो? यू इडियट। वहां राय साहब हैं, उनका बहुत रसूख है वहां। तुम राय साहब के घर में रहोगे, उनके होने वाले दामाद बनकर। हेलो हेलो प्यारे, तुम्हारा शक ठीक निकला। हीरो का राज राय साहब के घर में छुपा हुआ है। मैंने टेलीफोन टैप किया है कि हांगकांग से प्रेम नाम का कोई रईस राय साहब की बेटी के साथ शादी करने के लिए यहाँ आ रहा है और राय साहब ने उसे देखा तक नहीं। क्या कहा? तुम प्रेम बनकर उनके घर जाओगे? फिक्र मत करो, मैं असली प्रेम को एयरपोर्ट से गायब कर दूंगा। जी, बड़े आराम से खड़े होकर सन छिड़क रहे हो, यहाँ सारे घर को आग लग गई है, हम लोग लूट गए हैं, बर्बाद हो गए। क्या हुआ है, क्या आफत आई है? आशा घर छोड़कर भाग गई है। आशा घर छोड़कर भाग गई? अपने आशा घर छोड़कर भाग गई है। ये लो पढ़ लो, प्रोफेसर का। पापा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे प्रोफेसर प्यारेलाल की क्लास में भेजा। उनकी शिक्षा के मुताबिक मैं उस लड़की से शादी कर रही हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ, आपकी बेटी आशा। मर गए, मर गए, बर्बाद हो गए। ए जी, ये बेहोश होने का वक्त नहीं है, जरा होश में आओ प्लीज। जरा ये तो बताओ आप क्या करें? सोचना इम्पॉसिबल है, दिमाग का फ्यूज ऑफ हो गया है इस वक्त, तुम कुछ सोचो। अरे आपका तो दिमाग का फ्यूज ऑफ हो गया, मेरा तो सारा सर्किट गया है। उठो, जरा सोचो। लड़की ढूंढ कर लाओ, प्रेम के आने से पहले कोई लड़की ढूंढ कर लाओ। लड़की ढूंढ कर लाओ? मैं लड़की कहाँ से लेकर आओ? जहन्नम से लेकर आओ, सड़क से लाओ, बाजार से लाओ, यतीम खाने से लाओ, पागल खाने से लाओ, लेकिन लड़की लेकर आओ। आइए प्रेम साहब, आप अंदर तशरीफ ले चलिए, मैं अभी राय साहब को बुलाता हूँ।
घबराइए नहीं, हमने ये जगह चारों तरफ से घेर रखी है। अब वो लड़की कहीं बच के नहीं जा सकती। कैसी बदतमीजी, आपको दिखाई नहीं देता लड़कियों का टॉयलेट है? हेलो, कौन हो तुम? ये तो कोई दूसरी लड़की है। कौन हो तुम? मैं तो साहब होटल का टॉयलेट साफ करती हूँ। तो फिर भाग क्यों रही है? 10 रुपए के लिए। एक मैम साहब ने कहा कपड़े पहने और भागो, तो मैं भाग निकली। ओ सब सत्यानाश कर दिया। कम ऑन मैम। हेलो, कीप वॉकिंग बेबी। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी माता जी हूँ और तुम्हारे पिताजी घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, हकीकत है। और जो मैं तुमसे कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। और अगर मैं ना करूँ तो? तो पुलिस दूर नहीं है, कहो तो मैं बुला लूं। नहीं नहीं नहीं। तो फिर चलो मेरे साथ। Cheers, 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 God bless. आप कोई पिक्चर बना रहे थे ना, सिनेमास्कोप इन कोलैबोरेशन? फाइनेंस कर रहे हैं। तुम तो जानते हो व्यापारी आदमी, जहाँ दो पैसे नजर आए बस कूद पड़े। ओह डैडी, ओह डैडी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम लेट। Oh, 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 बेटी माफ करना, it's perfectly all right. Oh, I'm so proud of you. बेटी इनसे मिलो, ये तुम्हारे होने वाले पति मिस्टर प्रेम। No, sir. I don't believe it. I don't believe it. What fantastic eyes! क्या शक्ल है? इतना handsome पति मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हिंदुस्तान की सारी लड़कियां जलकर राख हो जाएंगी। Oh my God! ये तुम क्या कर रही हो? ये अमेरिका भी? माफ करो बेटा, ये ऐसा हो गया। Beautiful. अभी भी अमेरिका चाहिए ना? थोड़ा ज़्यादा modern है। Beautiful. बस करो शर्ट। शर्ट? आप by the way, आपकी दो लड़कियां हैं? जी नहीं, एक ही लड़की है। वैसे फैमिली प्लानिंग में गवर्नमेंट की तरफ से दो की इजाजत है, लेकिन हमने सिर्फ एक पैदा की। How nice. बड़ी मुश्किल से। मैंने आपको पहले भी देखा है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हर लड़का मुझसे यही कहता है। आपने किसी फिल्म में तो काम नहीं किया? अरे मुझे तो बहुत शौक है, बहुत, बहुत शौक। लेकिन हम लोग खानदानी है, इसलिए हम लोग किसी फिल्मों में काम करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? भाई वाह, मान गए तुमको। क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है। एक तरफ प्रोफेसर प्यारेलाल को फंसा दिया और दूसरी तरफ उस लड़की को, और तीसरी तरफ वो सैमी अपना सर पटक के रह गया। अब आगे क्या प्लान है? तुम ये हीरे लेकर समंदर के रास्ते से लंदन जाओगे और मैं बाय एयर तुमसे पहले वहां पहुंच जाऊंगा। हम दोनों की मुलाकात अब लंदन में होगी। तुम पागल हो गए हो रोनी? जानबूझ के किन के इलाके में कदम रखोगे? जब तक मैं वहां पहुंचूंगा वो इलाका किंग का नहीं रहेगा। किंग मैं हूं, वो इलाका मेरा होगा। तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर। ओह माय गॉड, क्या हुआ? क्या हो गया? वो कार्ड, कार्ड वो बहुत जरूरी है। उस कार्ड पर किंग का टेलीफोन नंबर था। कहीं हीरे चोरी करने की जगह पे तो नहीं गिर गया? नहीं, वो कार्ड सिर्फ एक जगह गिर सकता है, जहां मेरा बैग गिरा था, राय बहादुर के घर पर। डार्लिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात होगी तुमसे। दोबारा मुलाकात? एक बार सपने में तुम आसमान की बुलंदी पर खड़ी गा रही थी, अपने हुस्न और रसीली आवाज से लोगों को दीवाना बना रही थी। तुम्हारे हुस्न की कश ने मुझे भी अपनी तरफ खींच लिया, मुझसे निराह गया और मैंने मैंने तुम्हें अपनी बाहों में ले लिया। कहीं सपने भी सच होते हैं? ये सपना नहीं, हकीकत है। मक्कार चोर लड़की, पता कौन है तो? राय साहब के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है और वो आदमी कहां है जिसके साथ मिलकर तूने हीरो की चोरी की? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम। पता कौन है तू?
मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं एक बदनसीब लड़की हूँ जिसके साथ किस्मत ने जिंदगी के हर मोड़ पे मजाक किया है। मेरे बाप ने कत्ल की झूठी इल्जाम में उम्र कैद काटी, अब वो अस्पताल में पड़े दिल के मरीज हैं। हीरो के डाके और खून की जुर्म में पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मेरी मजबूरियां का हर एक ने फायदा उठाया, यहाँ तक राय साहब भी। मैं उनकी बेटी भी नहीं हूँ। और कुछ जानना चाहेंगे आप मेरे बारे में? खैर, खुशी की चंद घड़ियां जो मैंने आपके साथ गुजारी हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो सोनिया, सोनिया मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने तुम पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर देना। लेकिन जिस जुर्म में तुम फंसी हो मैं भी उसी का शिकार हूं, पुलिस मेरी तलाश में भी है। जी हाँ, और मैं प्रेम नहीं हूं। क्या कह रहे हैं आप? आप? हाँ सोनिया, ये रूप तुमने अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढने के लिए रचाया था। मुझे शक था कि हीरो की चोरी में राय साहब का हाथ है, और तुम्हें वहां देखकर मुझे यकीन हो गया। मुझे नहीं मालूम था हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, एक ही सांप के टसे हुए हैं। सोनिया चलो चलकर देखते हैं अपनी तकदीर में और क्या लिखा है। कई बार आपसे कह चुका हूं मैंने कोई खून नहीं किया, चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूं। तुम पैदाइशी झूठे हो। न सिर्फ तुमने चोरी और खून किया है बल्कि एक अंधी और मासूम औरत को धोखा दिया है। कई सालों से उसके बेटे बनकर उसके जज्बात से खेलते रहे हो तुम। क्यों? ये झूठ है, गलत है। वो मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूं। शराब ना ही तुम उसके बेटे हो और ना ही वो तुम्हारी माँ है। तुमने उसके बेटे का भी कत्ल किया है। नहीं, तुम बहरूपी हो, ये गलत है। तुम चोर और कातिल हो, ये सब झूठ है, गलत तुम है। प्रोफेसर प्यारेलाल नहीं, मैं ही प्रोफेसर प्यारेलाल हूं। शट अप। प्रोफेसर प्यारेलाल तुम नहीं, प्रोफेसर प्यारेलाल ये है। हम मद्रास से पैसा ला के बेसरम आदमी है जी, कुड़की हो गया, नीलामी हो गया, कुर्सी नहीं चलता, उठा उठा देखो, अपने बेटी की शादी 1 करोड़पति से करना चाहता है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त इंस्पेक्टर शिंदे के
जिनका 20 साल पहले कैंची से कत्ल हुआ, तुम उनके बेटे हो? जी कमिश्नर साहब। ऐसे कमिश्नर साहब, मैंने आपसे जो कुछ कहा है सच कहा है, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये सब अब मेरी मां से मत कहिए। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसका बेटा नहीं हूं तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वो जान दे देगी। कमिश्नर साहब, तुम 10 साल तक लंदन में क्या कर रहे थे? अपने बाप के कातिल की तलाश, इसीलिए मैंने इस जुर्म की दुनिया में कदम रखा। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए कि मेरी जगह मेरा दोस्त प्यारेलाल पुलिस की गोली का निशाना बन गया, और एक बार किस्मत फिर मुझे हिंदुस्तान ले आई। यहां आकर उसकी अंधी मां ने मुझे बेटा समझकर इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। कमिश्नर साहब, मैं ये भी भूल गया कि मुझे अपने बाप के कातिल की तलाश है। लेकिन तुम्हारे बाप का कातिल तो उमर कैद काट चुका है। उस बेचारे ने मेरे बाप का खून नहीं किया है कमिश्नर साहब, वो बदनसीब तो एक टैक्सी ड्राइवर था। उस गरीब के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, जिस तरह आज मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। पुलिस को तो किसी भी बेगुनाह को गुनाहगार साबित करने के लिए सिर्फ सबूत चाहिए, सच्चाई नहीं। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं कमिश्नर साहब, कि जिस आदमी ने हीरो की चोरी की है और जिस आदमी ने ये खून किया है, वो इस वक्त लंदन में है, क्योंकि उस आदमी मुझसे एक दफा लंदन के टेलीफोन नंबर का कोड तुड़वाया था। अगर आप मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं तो मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज। अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो इस बात का क्या भरोसा कि तुम भाग नहीं जाओगे? मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का बेटा हूं कमिश्नर साहब, मुझे उनके पेशे की सौगंध, मैं कभी अपने देश और कानून के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मगर लंदन पहुंचते ही वहां की पुलिस और दुनिया भर के मुजरिम तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे, और हम किसी भी तरह से तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे। यहां भी तो मेरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। जेल में इस तरह सड़कर मरने से तो मौत कहीं बेहतर है। अगर मैं अपनी जान पर खेलकर भी अपने देश की दौलत वापस ला सका, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। मुझ पर भरोसा रखिए कमिश्नर साहब। इंस्पेक्टर। यस सर। ले जाओ इसे। चलिए कमिश्नर साहब, जाओ। बेटे, यहाँ बेटे, ये सब कैसे हो गया? मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ माँ। मैं जानती हूँ तू ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा माँ, कभी नहीं। और मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ माँ, मैं असली मुजरिम को जमीन खोद कर भी निकाल लूंगा, तू फिक्र मत कर माँ। चलिए। फिक्र मत कर बेटे। भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना। क्या कहा तुमने? सोने की बीवी मां नहीं बनने वाली। ये देखिए, ये तस्वीरें बाथरूम में छुपे हुए कैमरे से खींची गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर भी साजिश में शामिल है। पता नहीं कौन कौन शामिल है साजिश में। इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए सैमी। यस यस यस। नहीं 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 नहीं, खत्म करने से कोई फायदा नहीं होगा। यही वो लड़की है जो हमें रोमी तक पहुंचा सकती है। Terrible. Oh my God. हरामजादे ने हम सबको उल्लू का पट्टा समझ रखा है। Come on, come on. अपना बैग मुझे दे दीजिए। हाँ, बकवास बंद करो।
अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो यही खत्म कर दूंगा। ओ, ओ, मुझे खत्म कर दोगे तो आप भी तो नीचे जाओगे। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आगे पेट्रोल के लिए नीचे उतरना है। यहाँ की पुलिस बहुत चालाक है, आपका करोड़ों का माल धर लेगी। आप बैग मुझे दे दीजिए, मैं उसे आगे रखता हूँ यहाँ पे। हाँ, और चिंता की क्या बात है, आपके पास तो पिस्तौल है। क्या आप, तुम अपना काम करो। लीजिए, अपना काम करता हूँ। महापुरुष जी, बैग। नहीं, तो फिर सही। महापुरुष जी, बैग। कमीशन 5 लाख देता था। राय साहब सेंट पर सेंट कमीशन पर काम करते हैं। लंदन हियर आई कम। हेलो, मैं प्रोफेसर प्यारेलाल बोल रहा हूं। मैं किंग का बेटा हूं, एयरपोर्ट से बोल रहा हूं। होल्ड ऑन प्लीज। सर, कोई आपसे मिलना चाहता है, एयरपोर्ट से बोल रहा है। वो कहता है आपका बेटा है। ओके सर, सुनिए, आप एयरपोर्ट के बाहर वाले 3 नंबर बूथ से टेलीफोन कीजिए। Where's the boss? तुम और हम तक क्यों पहुंचना चाहते हो? इसलिए कि मैं आपका बेटा हूं, प्रोफेसर प्यारेलाल। हमारा कोई बेटा नहीं है। मेरा सारा खानदान आज से 20 साल पहले आग में जल चुका है। नहीं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हमारा पता तुम्हें कैसे चला? इस कार्ड से पता मिला है। एक आदमी फिल्म प्रोड्यूसर बनके मेरे पास आया, आप तक पहुंचने का कोड तोड़वाया, उसके बाद फिल्म शूटिंग करने के बहाने हीरो की चोरी की, खून कर दिया और मुझे उन तमाम इल्जामों में फंसाकर खुद गायब हो गया। अब सारी दुनिया की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं पिताजी, सिर्फ आप। इस कहानी का सबूत? मेरी मां और आपकी धर्म पत्नी। मुझे हिंदुस्तान फोन करने की इजाजत है? हाँ, इजाजत है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं शांति बोल रही हूँ।
एंड जेंटलमैन, हम लंदन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इंटरपोल की सूचना के अनुसार प्रोफेसर प्यारेलाल और सोनिया इस उड़ान से सफर कर रहे हैं। यात्रियों से प्रार्थना है कि जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी न कर ले, सब अपनी अपनी जगह बैठे रहें। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? Come on, Mr. Pyarelal, you are under arrest. छोड़िए मुझे। Come, Mr. Sonia. Oh. हेलो पिताजी, रॉनी लंदन आ गया है। क्या रॉनी लंदन में है? मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ। Hi, love, where were you? What the hell are you doing? What the hell is going on? Just a moment, Jaldi, bhag, jaldi! Come on! That's it, come on! हेलीकॉप्टर भेज दो। हेलीकॉप्टर हमारा पीछा कर रहा है। ओह माय गॉड। बनकर किंग के घर में रह रहे हो? किसी ने तुम्हें पहचाना नहीं? अपने पहचाने वालों को एक एक करके मैं रास्ते से हटा चुका हूं। किंग की बेशुमार दौलत तक पहुंचने के लिए मुझे एक और कांटे को रास्ते से हटाना है। क्या मतलब? प्रोफेसर प्यारेलाल, प्रोफेसर प्यारेलाल किंग का बेटा है। मैं बेटे को बाप के हाथों से मरवाना चाहता हूं और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने वादा किया था कि वो तुम्हारा आखिरी खेल होगा। रीटा, मुझे अपना वादा याद है।
सच मानो ये मेरा आखिरी खेल होगा, मेरा और प्रोफेसर प्यारेलाल का भी। मुझे मैं क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़िए। माय गॉड, आप जिंदा हैं। तुम्हारी बदकिस्मती है जी, किंग को डबल क्रॉस करने के बाद आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। रॉनी रॉनी मैं रॉनी नहीं हूं, मैं प्रोफेसर प्यारेलाल हूं। तुम्हारी कोई चालाकी, कोई बहरूप हमारे सामने नहीं चलेगा, समझे? आपको यकीनन कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। देखिए, मैं रॉनी वॉनी नहीं हूं, मैं प्रोफेसर प्यारेलाल हूं। आप शांति देवी के पति हैं ना, वो मेरी माँ है, आप मेरे बाप है। मैं अगर तुम किंग के बेटे हो तो दुनिया की नजरों में तुम धूल झोंक सकते हो रॉनी, मुझे बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन किंग को नहीं, मेरे पिताजी को नहीं। दुनिया की नजरों में धूल तुमने झोंकी, मुझे बेवकूफ बनाकर हीरो की चोरी तुमने की और मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसाया। पिताजी, ये आदमी आग पर भी जलकर आ जाए तो भी इसका यकीन मत कीजिएगा। रॉनी, रॉनी मुझे बचा लो, रॉनी प्लीज मुझे बचा लो। कौन है आप? तुम्हें मेरी कसम, तुम्हारे होने वाले बच्चे की कसम। बच्चा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको जिंदगी में कभी नहीं देखा। आप तो सच बोल दो, हमारा खेल खत्म हो चुका है। कौन सा खेल? आप कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज किंग से माफी मांग लो, प्लीज। हमें अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। मैं कसम से कहता हूँ, मैं इन्हें जानता तक नहीं। प्लीज रॉनी, अब झूठ मत बोलो। रॉनी, मैं किसी रॉनी को नहीं जानता। किस किस को नहीं पहचानोगे तुम? देखिए जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं, हम आपको सब कुछ दे देंगे, हीरे भी दे देंगे। क्यों रॉनी? हीरे कहाँ है रॉनी? हीरे मेरे पास हैं, लेकिन है कहाँ? नहीं बताऊंगा। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ पिताजी, ये इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएगा। अगर आप कहें तो मैं इसे अपने साथ ले चलूं। चलो। डार्लिंग, पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। Mrs. Rani, please move. Move, please.
रीटा, 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 ये सब क्या हो गया? रानी, 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 मैंने तुमसे हंसता खेलता घर मांगा था, बच्चे मांगे थे, तुमने मुझे गोली, नहीं ये गोली तुम्हारे लिए नहीं थी रीता, ये तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम्हारे बच्चे की मां बनकर मरती तो चैन से दम निकलता। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा मैं। नसीब से कौन लड़ सकता है रोनी? रीटा मैं लड़ूंगा नसीब से, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा के रख दूंगा। नहीं, नहीं रोनी, प्लीज मुझसे वादा करो तुम अपना रास्ता बदल दोगे। मैं कोई वादा नहीं करूंगा, कोई वादा नहीं करूंगा। तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। तुम चाहती हो कि मैं एक अच्छा आदमी बन जाऊं ना? तुम चाहती हो मैं अच्छा आदमी बनूं? तुम वादा करो मुझे। रीटा, रीटा आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मुझे छोड़ के मत जाओ रीटा। रीटा मेरी तरफ देखो, मैं वादा करता हूं। ए लड़की, प्रोफेसर प्यारेलाल कहां है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, इसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में डाल दो। इतना महंगा गोश्त मछलियों ने कभी नहीं खाया होगा। मेरा एक एक टुकड़ा कम से कम 5 लाख रुपए का होगा। क्या मतलब? मुझे मालूम है हीरे कहाँ है। हमें बतला दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। नहीं, उसके बाद तुम लोग मुझे मार डालोगे। हम वादा करते हैं तुम्हारा बाल भी बाका ना होगा। चोर डाकू की कोई जबान नहीं होती। मैं हीरों का राज बताऊं या ना बताऊं, तुम लोग किसी भी सूरत में मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। लड़की तुम बहुत समझदार हो, खेल के सारे असूल जानती हो। अच्छा ये बतला तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? मरने से पहले मैं लंदन घूमना चाहती हूँ। सोच लो, मेरी 2 दिन की जिंदगी तुम्हें करोड़ों दे सकती है। लंदन घूमना चाहती हो, हमें मंजूर है। मेरा बेटा वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं आया? पहले आप इनसे मिलिए। कौन कौन है आप? शांति, 20 साल बाद मुझे यकीन क्यों नहीं होता? ये सच है शांति। शांति, मैंने तुम्हें और अपने बेटे को जिंदा देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। शांति, मैं समझ रहा था मेरी दुनिया आग में जलकर राख हो गई। प्यारे कहाँ है? वो नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि मैंने उसे नहीं बताया तुम आ रही हो, और कुछ दिनों के लिए तुम उसे नहीं मिलोगी। क्यों? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ। You get it, all of you? Yes, 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 sir. Make sure you don't make any mistakes. See you later. Good night. Good night. Good night. Yes, sir. कुछ नहीं पिताजी, वो मैं। तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो लगता है जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, सारी रात जागता रहता हूँ, और हमेशा दिमाग पर एक ही नाम सवार रहता है, रॉनी 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 रॉनी। डोंट वरी माय सन, आज के बाद तुम बड़े आराम से सोओगे। रॉनी मेरे कब्जे में आ गया है। रॉनी
रॉनी आपके कब्जे में आ गया है। और तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि हीरे भी मेरे कब्जे में आ गए हैं। जी हीरे भी आपके कब्जे में आ गए। हाँ बेटा, और इतना ही नहीं, एक और भी खुशखबरी है। तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी माँ बंबई से यहाँ आ पहुंची। माँ यहाँ? लेकिन वो माँ तो कल आने वाली थी ना। हाँ, लेकिन हमने उसे एक दिन पहले ही बुलवा लिया। सोचा सारी खुशियां तुम्हारी झोली में एक साथ ही डाल दें। शांति, प्यारे कहाँ है तू? मेरे पास आ बेटे, आ बेटे। क्यों, माँ को देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? जाओ अपने माँ को गले लगाओ, उसके पैर छुओ, जाओ। आओ बेटे, आओ आओ ना। तो ये सब क्या हो रहा है? ये झगड़ा कौन कर रहा है? अरे तू किससे झगड़ रहा है? पता प्रोफेसर पैरालाल कौन है? पता कौन है? इसे छोड़ दो। क्यों पिताजी, ये आदमी इस काबिल नहीं कि इसे जिंदा छोड़ा जाए। लेकिन हमने इसकी दम तोड़ती हुई बीवी की आखिरी इल्तिजा सुनी, हम इसकी जान बख्श देंगे। वो एक नेक औरत थी और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना हमारा फर्ज है। छोड़ दो इसे। दफा हो जाओ यहां से। अगर फिर कभी हमारे इलाके में पाए गए तो हम तुम्हें जिंदा काट देंगे। फेंक दो इसे बाहर। आज हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें इस बैरूप की भी जरूरत नहीं। हरामजादे कुत्ते, आखिर तुम अपनी जलील हरकतों से बाज नहीं आए। अब देखना है कि तुम्हारी मौत किंग के हाथ लिखी है या हमारे। हीरे कहां है? हीरे कहां है? हीरे वो भी किंग के हाथ लग गए। उस प्रोफेसर प्यारेलाल ने सारा खेल बिगाड़ दिया। किंग के पास हीरे भी चले गए और वो खुद भी किंग का बेटा निकला। क्या बकते हो तुम? प्रोफेसर प्यारेलाल किंग का बेटा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूं। सुनो, प्रोफेसर प्यारेलाल की मां अंधी है। हाँ है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? जो राज मुझे मालूम है वो तुम्हें तो क्या, किंग के फरिश्तों तक को मालूम नहीं। और मैं समझ गया हूं कि किंग कौन है। क्यों? आप दाव खेलने की बारी हमारी है। कैदे, बाहर जा रहे हैं आप? हाँ, ये वही लड़की है ना जिसे तुम खाने थे। तुम्हारी पसंद अच्छी है। माँ के पास ले जाओ, मैं अभी आया। ठीक है, चलो ड्राइवर। लेट्स गो लव। कौन था ये आदमी? ये मेरे डैडी थे। ओह माय गॉड, नहीं नहीं। क्या बात है? ये किस आदमी को दिल दे बैठी है? क्या कह रही है सुनिए? ये भयानक गलती करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? कैसी गलती? ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? सुनिए, क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं बल्कि बरसों का दबा हुआ नफरत का ज्वालामुखी है जो उस आदमी को देखकर अचानक फूट पड़ा। सुनिए, उस आदमी ने एक पुलिस ऑफिसर का खून करके मेरे बाप को झूठे इल्जाम में फंसवाया। जो जुल्म मेरे बाप के साथ हुआ है, जब तक मैं उसका बदला उस आदमी से नहीं ले लेती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सुनिए, तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। ये धोखा नहीं, सच्चाई है। तुम्हारा बाप खूनी है और मैं खूनी के बेटे से प्यार नहीं कर सकती। सुनिए, मैं तुम्हारे बाप से नफरत करती हूँ और तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम उसके बेटे हो। सुनिए, सुनिए। वो तनजान लड़की बिल्कुल सच बोलकर गई है बरखुरदार। तुम कौन हो? इस वक्त तो अपना दोस्त ही समझो। जिस इंस्पेक्टर के कत्ल के बारे में इस लड़की के बाप को सजा हुई थी, वो इंस्पेक्टर जानते हो कौन था? कौन था?
तुम्हारा बाप था और उसका असली कातिल किंग, जिसके तुम बेटे बने बैठे हो। किंग, किंग ने तुम्हारा घर बार तबाह किया, तुम्हारा प्यार तबाह किया, तुम्हारी बारी है। किंग तुम्हारी असलियत को पहचान गया है, और इससे पहले कि वो तुम्हें खत्म कर दे, अगर मर्द के बच्चे हो तुम उसकी मिट्टी को ठिकाने लगा दो। बरखुरदार जयराम जी की। श्यामलाल, पहली बार जब तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरी दुनिया में आग लगाकर चले गए। अब जबकि मेरी दुनिया मुझे वापस मिल गई है, मैं किसी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहता। इससे पहले कि मेरे कुत्ते तुम्हारी खाल खींच लें, तुम मेरे इलाके से दूर चले जाओ। छी 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 किशन चंद, जब मैं पहली बार तुम्हारी जिंदगी में आया तो मैंने तुम्हें झोंपड़ों से महलों में पहुंचा दिया, अब मैं तुम्हें महलों से आसमान तक पहुंचाना चाहता हूँ। महाराज, बस सिर्फ मेरे हीरे लौटा दो जो तुमने अपने बेटे का कलंक धोने के लिए अपने पास रख छोड़े हैं। हरगिज नहीं, वो हीरे मेरे बेटे की बेगुनाही का सबूत है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा एक अच्छे शहरी की तरह बेदाग जिंदगी बसर करे, जो मुझे आज तक नसीब नहीं हुई है। और ना ही कभी नसीब होगी, क्योंकि जिसे तुम अपना बेटा समझ रहे हो वो तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या बकते हो किशन चंद? आज से 20 साल पहले की वो रात भूल गए क्या, जब तुम्हारे हाथों एक पुलिस इंस्पेक्टर का खून हुआ था? वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन उसके बेटे का तुम तक पहुंचना कोई एक्सीडेंट नहीं है। उसने अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए पहले तुम्हारे बेटे को अपने रास्ते हटाया, फिर तुम्हारी अंधी बीवी के जज्बात से खेलकर उसका बेटा बन बैठा। रब तुम्हारा विश्वास जीत कर एक महाकाल की तरह तुम्हारे सर पर आन बैठा है। अब देखना सिर्फ यह है कि वो मौत का फंदा कब तुम्हारे गले में डालता है। जयराम जी की। मुझे मारने आए हो? जानते हो किंग पर गोली चलाने वाले हाथ काट दिए जाते हैं? तुम्हारी जान लेने के बाद ये हाथ कट भी जाए तो परवाह नहीं। ये गोली की आवाज कैसी? किसने चलाई गोली? मैंने चलाई है गोली। तुमने? हाँ। क्यों? इस गद्दार को इसके किए की सजा दे रहा था। गद्दार? कौन गद्दार? प्यारे लाल, जो आज तक तुम्हारा बेटा होने का ढोंग रचा रहा है। प्यारे लाल, मेरा बेटा? एक अंधी माँ की इतनी सेवा करने वाला बेटा गद्दार कैसे हो सकता है? अगर तुम सच जानना चाहती हो तो पूछ लो इससे, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, पूछ लो इससे, क्या ये तुम्हारा बेटा है? सुना बेटे, तेरे पिताजी क्या कह रहे हैं? क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? बोल, जवाब दे। तू बोलता क्यों नहीं? माँ, क्या तुम मेरे बेटे हो या नहीं? माँ, ये सच है। माँ, ये सच है। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तुम मेरा बेटा कहाँ है? इसने हमारे बेटे को मार डाला है। ये झूठ है, मैंने उसकी जान नहीं ली। माँ, हम दोनों गहरे दोस्त थे, सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार था हमें। हम एक दूसरे के बगैर सांस नहीं लेते थे, और एक दिन इसी दोस्ती की खातिर उसने जान दे दी। तो क्या मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है? तो आज तक मुझे धोखा देता रहा? नहीं माँ। एक अंधी और लाचार औरत के जज्बात से खेलता रहा? माँ ऐसा मत करो। प्यार और ममता का गला घोंटता रहा? नहीं माँ, नहीं। खबरदार, अगर मुझे माँ कहा तो तूने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे बेटे की जगह ले सकते हो? तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? माँ, माँ, चले जाओ यहाँ से, और फिर कभी यहाँ मत आना। खूनी तरिंदे, तुम इस देवी के पति कहलाने के लायक नहीं हो। शट अप,
तुमने ना सिर्फ मेरे बाप का खून किया है बल्कि एक और पाप भी किया है, शायद तुम नहीं जानते। उस खून के इल्जाम में सोने के बाप को उम्र कैद काटनी पड़ी। आज मां की ममता ने मेरे हाथ काट दिए हैं किंग, लेकिन भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अपने आदमियों को हुक्म क्यों नहीं देते कि वो मुझे पत्थर बांध के जिंदा दरिया में डुबा दे? मैं तुमसे माफी मांग सकूं, लेकिन मैंने बदला लेने की कसम खाई है। मेरे कारण तुम्हारे बाप ने जो दुख उठाया है उसकी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। दुनिया का हर ऐशो आराम, बेशुमार दौलत, जिस चीज पर उंगली रखोगी तुम्हारी होगी। क्या तुम मेरे बाप के वो 14 साल वापस लौटा सकते हो? मैं भगवान नहीं हूं बेटी, जो समय के चक्कर को उल्टा चला सकूं। अगर तुम्हें कीमत मंजूर नहीं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये जहर है, पी सकते हो उसे? हाँ। बहुत महान है, ये जहर नहीं था बल्कि सच और झूठ की आजमाइश थी। आप जैसा आदमी मेरे बाप की जेल जाने का कारण नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूं बेटे। आओ। नहीं! हे भगवान, मुझे जल्दी से बाहर ले चलो। शांति, ये सब मेरे ही पापों का फल है, ये सब मेरे ही पापों का फल है। नहीं शांति, तुम तो एक देवी हो, तुम क्या पाप कर सकती हो? इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है? मैंने अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से मारकर घर से निकाल दिया। नहीं शांति, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। वही मेरा बेटा है। क्या सिर्फ कोई खून के रिश्ते से अपना बेटा बन जाता है? मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर उसे फिर घर बुलाया है ताकि मैं उसे माफी मांग सकूं। इतने अपमान के बाद क्या वो वापस घर आएगा? आएगा। अगर वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूं तो वो जरूर आएगा। मैं उसे बुला कर लाऊंगी। तो फिर जाओ शांति, जल्दी से उसे ले आओ। मैं भी उससे माफी मांग लूंगा और उसके बाद ये सब झंझट छोड़ के हम हिंदुस्तान वापस जाएंगे। जाओ। सोनिया को अंदर ले आओ। मां, हेलो। देखो ध्यान से सुनो, तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, समझे? तुम्हारी माँ, अगर तुम इस बुढ़िया की जिंदगी चाहते हो तो हीरे मुझ तक पहुँचा दो। कहाँ, किस जगह? जमीन और पानी में तुम्हारा एतबार नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारी माँ और हीरों का एक्सचेंज हवा में होगा, हवा में, समझे तुम? जय राम जी की। क्या कहा? माँ जी उनके कब्जे में है। आज आखिरी फैसला होने वाला है राय साहब, उन्होंने माँ को कब्जे में कर लिया है। आप फौरन हवाई जहाज तैयार रखिए, मैं डेनम एयरपोर्ट पहुंचा हूँ। ठीक है, मैं अभी जाके प्लेन रेडी करता हूँ। सर आप यहाँ? तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी लंदन चला आया। कांग्रेचुलेशंस राम, तुम्हें छोड़कर हमने जो जुआ खेला था तुमने आज साबित कर दिया है कि हमने कोई गलती नहीं की थी। बाकी तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के ईमानदार बेटे हो,
लाओ ये हीरे मुझे। नहीं मिस्टर साहब, ये हीरे मैं आपको नहीं दे सकता। मेरी माँ की जान खतरे में है और इन हीरों से मैं उसे बचा सकता हूँ। ये वकूफी मत करो राम, तुम्हारी माँ को बचाना पुलिस का काम है। पुलिस 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 ने क्या किया है तक मेरे लिए? मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, लेकिन इन हीरों की कीमत 50 करोड़ रुपए है। लाओ मुझे। 50 करोड़ हो या 500 करोड़, लेकिन इन हीरों की कीमत मेरी माँ की जिंदगी से ज्यादा नहीं है।
मेरी मां तो ठीक है ना? हाँ। ये रहे आपके हीरे। राम, किशनचंद को गोली लगी है। क्या? हाँ, तुम आओ मेरे साथ जल्दी। राम जी, सोनिया, आंखों में